Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration and this is video lecture number 5. I hope you have already watched part 1 to part 4 before watching this part 5. हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास तक ट्रांसफॉर्मेशन की. आज बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो इसमें क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, फिर बड़े सब्स्टिट्यूशंस और जो टाइप है स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट मी डिस्कस अबाउट द सब्स्टिट्यूशन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड लेट मी राइट हियर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, क्या होता है कि कई बार ऐसा फंक्शन होता है कि जो इंटीग्रेट आसानी से नहीं होता, हम उसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे फंक्शन को. जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, सिंपल सा टाइप का पहले बात करते हैं, और इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का हो कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये क्वेश्चन. अब इसमें cos x का इंटीग्रेशन sin x तो होता है, हमें पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इसलिए होता है कि यहाँ पे जो ये x है उसका यहाँ डेरिवेटिव dx है. अगर ये x का डेरिवेटिव यहाँ नहीं होता तो ये आसानी से नहीं हो पाती. क्या हम cos x स्क्वायर को sin x स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते. ये sin स्क्वायर x प्लस c किसी ने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये x स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव ये dx नहीं है, यहाँ 2x dx होना चाहिए था. लेकिन यही चीज अगर कोई ऐसा करे कि cos ऑफ x स्क्वायर और इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ होता 2x dx, तो हम इसको साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं. इसका मतलब है कि ये चीज का डेरिवेटिव जब तक यहां नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन संभव नहीं, इसलिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां होना चाहिए. और ये बात पता करने के लिए हमें इस चीज को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. तो इस चीज को अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर ले, या तो ऐसे लिख दें, तो यहाँ ऐसे अगर मैं करूं तो इसको क्या लिखना चाहिए, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2x dx चाहिए. तो ऐसी स्थिति में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x के साथ 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x dx हो गया. और अब हम इसका पूरा डेरिवेटिव लिख सकते हैं, क्या cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन. तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, राइट, साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये लिख सकते हैं. इसका मतलब है कि हम इस बात को समझने के लिए कि ये ऐसा हुआ कैसे, ये कहें कि इसको अगर मैं dt मानूं तो ये t स्क्वायर होगा, यानी पुट कर लेते हैं. अब इसका अल्टरनेट मेथड ये है कि पुट कर लें कि x स्क्वायर इज इक्वल टू t और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें. डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, d बाई dx दोनों तरफ लगाने का. तो d बाई dx ऑफ t, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x के रेस्पेक्ट में 2x, और ये हो गया dt by dx. इसी बात को हम कह सकते हैं कि 2x dx is equal to dt. तो 2x dx के बदले हम dt लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x dx के बदले dt लिख सकते हैं, या x dx के बदले आप क्या लिख सकते हो, x dx के बदले लिख सकते हो half dt. x dx के बदले हम लिख सकते हैं half dt. तो ये भी हो सकता है कि x dx के बदले हम लिखते हैं half dt. यानी यहाँ पर जो ये x और dx है, x और dx है, ये x और dx, इसके बदले अगर मैं half dt लिखूं तो ये हो जाएगा half dt. और ये x स्क्वायर को हमने क्या पुट किया हुआ है, t, तो ये हो जाएगा cos t. और cos t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चूंकि t का डेरिवेटिव है dt है, तो cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t plus c, मतलब sin of t का मतलब क्या, x square plus c, ये हो गया आंसर.
तो ये दोनों ही बातें सही है, आप चाहें तो इससे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, और ये है एडजस्टमेंट, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव, इसको कहेंगे एंटी डेरिवेटिव मेथड। ये है हमारा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मेथड। और ये जो है एंटी डेरिवेटिव का मतलब, इसको लिख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर है, उसके हिसाब से हमने लिखा। और यहाँ पे ये है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स, ऐसा लिखा है। अब इस क्वेश्चन को, कॉस रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? तो अभी यहाँ पे भी हमें देखना होगा, सवाल सबसे पहले यही आता है कि सब्स्टिट्यूशन में हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। जनरली बच्चों को ये दिमाग में आता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है और उसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आपकी डिफरेंशिएशन पर पकड़ अच्छी हो, इफ यू नो द डिफरेंशिएशन वेल, देन यू हैव टू फर्स्ट थिंग अबाउट दैट डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शन इज गिवन। इफ देयर इज समथिंग फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज ऑलरेडी गिवन, देन वी विल एज्यूम दैट फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। जिसका डेरिवेटिव दिया हो उसको हम टी पुट कर लेंगे, और ये खोजना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 2√x होता है, ये बात पता चल अगर आपको है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि क्या पुट करना है। रूट एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, और यहाँ क्या हो जाएगा, dt/dx, यानी dx इधर आ जाए, dx/√x के बदले, और 2 इधर आ जाए तो 2dt लिख सकते हैं। यहां पर ये dx है और ये है √x, इन दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2dt लिख सकते हैं इसके बदले। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बदले अगर हमने 2dt लिख दिया तो ये बच गया फंक्शन। अब हमारा फंक्शन सिर्फ ये बच गया, और इस फंक्शन को हम रूट एक्स को क्या लिखा है, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, टी, तो ये हो गया टी, ये 2dt है, इसमें से 2 बाहर आ जाए तो कॉस टी dt हो जाए, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, साइन टी प्लस सी होता है, यानी 2 sin ऑफ रूट एक्स प्लस सी आंसर होगा, है ना। चलिए अब एक दूसरा सवाल लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो हम लेते हैं एक थर्ड क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू, कुछ और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करें ताकि आप फेमिलियर हो जाए। ये लिखा है कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे भी ऑफ कोर्स आपको देख के पता चल रहा हो कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो बिना किसी और सोच के आप कह सकते हैं कि कॉस लॉग एक्स को हमें टी पुट करना चाहिए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो गया, इधर dt/dx होगा, है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, यानी 1/x dx के बदले हम dt लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/x dx के बदले क्या लिख सकते हैं, dt, है ना, 1/x, ये dx इधर आ जाए, हम इसके बदले dt लिख सकते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस पूरे के बदले dx, 1/x dx के बदले हम लिख सकते हैं dt, और ये cos t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन टी प्लस सी, और साइन टी क्या है, टी को रिसब्स्टिट्यूट कर दें, साइन लॉग एक्स प्लस सी, और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जो दो तीन क्वेश्चन हमने किया, इसमें आपको देख के ये पता चल रहा होगा कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसको टी पुट कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि उसका सीधे सीधे डेरिवेटिव फंक्शन नहीं होता, लेकिन उसका डेरिवेटिव उसमें होता है, तब हम उसको टी पुट कर लेते हैं। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और इस पे कंसोलिडेट करें इस बात को, और थोड़ा एक आध एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चंस में कि जहां पे ऐसा सब्स्टिट्यूशन हो। अभी एक इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ये लिखा है साइन e^x e^x dx, राइट, ये क्वेश्चन।
अब इसमें आपको देख के पता चल रहा है कि ये साइन के साथ ये एंगुलर फंक्शन है, जो एंगल टाइप का फंक्शन होता है। एंगल, ये है एंगल की जगह। यहां पर भी सब में देखिए ये क्या था, ये था एंगल की जगह। ये जो था वो क्या था, एसिकली एंगल की जगह पे था। ये भी क्या है, एंगल की जगह पर है। तो इस तरह से ये जो एंगुलर फंक्शन होता है, एंगल होता है, उसको हम टी पुट कर लेते हैं। तो e टू दी पावर x को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, कितना, t। e टू दी पावर x इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x dt बाई dx, यानी आगे से हम यही लिख देंगे e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt। अब ये e टू दी पावर x और ये dx मिल करके क्या बना देंगे, ये मिलके बना देंगे dt, और ये हो गया साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होगा कॉस टी माइनस कॉस टी प्लस सी, यानी ये हो गया माइनस कॉस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ऐसा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। आई इज इक्वल एक्स प्लस वन ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, और फिर लिखा है सेक स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर एक्स डीएक्स। अब इस क्वेश्चन को इतना थोड़ा सा देखने में बड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे भी ये है एंगुलर फंक्शन, है ना, तो इसको हमें टी पुट कर लेना चाहिए। यानी एक्स ई टू दी पावर एक्स को टी अगर पुट कर लो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका अब देखिए, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसमें क्या लगेगा बताइए, इसमें लगेगा हमारा कोसेंट रूल, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो कोसेंट रूल क्या होगा, एक्स एज इट इज, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स, फिर ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया वन, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। यानी एक्स प्लस वन ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया जाए, डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, तो इन सबके बदले हम डी टी लिख सकते हैं। सो वॉट विल हैपन कि हम इन सबके बदले डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, इन पूरे के बदले हमने डी टी लिख दिया, और ये हो गया सेक स्क्वायर टी। और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टी प्लस सी, इसका मतलब हो गया टेन टी क्या है, एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं थोड़े और डिफरेंट टाइप के, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स भी। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका ऐसा है कि सिक्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। तो यहां पर भी अब ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं कि एंगल होगा, लेकिन e टू दी पावर एक्स वैसा ही कुछ है। तो यहां पर भी जो ये e टू दी पावर समथिंग है, इसको हम टी पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दिया एक्स स्क्वायर को टी, एक्स स्क्वायर को टी पुट करने से क्या होगा, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। पहले हम डी टी बाई डी एक्स लिखते थे, फिर डी एक्स इधर लाते थे, अब सीधे सीधे लिख देंगे, इतनी समझदारी हो गई है। तो एक्स डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे, टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हम लिख देंगे वन बाई टू डी टी, और यहां हो गया ई टू दी पावर टी। इसके बदले टी हमने पुट किया है इसको, तो इसको हमने टी ले लिया है, तो इसको टी पुट कर दिया, और ये एक्स और डी एक्स के बदले हमने लिख दिया डी टी बाई टू, टू को बाहर लिख दिया। ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स होता है, तो ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर टी हो गया, और टी क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ ऑफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन एच, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे भी कोई एंगल तो नहीं है, लेकिन ये लॉग के साथ ये फंक्शन ही है, मेन फंक्शन ये है, तो क्यों ना इसी को हम टी पुट कर ले। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए कि लॉग एक्स को टी पुट कर लेना चाहिए, लॉग एक्स को टी। तो लॉग एक्स को टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, या पूरे लॉग लॉग एक्स को भी टी पुट कर सकते हैं। तो लॉग एक्स को टी पुट करेंगे तो वन बाई एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, राइट ना। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा और इम्प्रोवाइज करूं कि यहाँ पे लॉग एक्स भी है और एक्स भी है, लॉग एक्स एक्स है, तो
तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम पूरे फंक्शन को अगर टी पुट कर ले, यानी लॉग ऑफ लॉग एक्स को टी पुट कर ले, लॉग ऑफ लॉग एक्स को टी पुट कर लिया इज इक्वल टू टी, इस लॉग का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा चेन रूल से, वन बाई लॉग एक्स, इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा वन बाई एक्स, और इधर डी टी बाई डी एक्स, यानी वन अपॉन एक्स लॉग एक्स और ये डी एक्स के बदले आप लिख सकते हो डी टी, यानी इस पूरे के पूरे जो फंक्शन दिख रहा है इस पूरे फंक्शन के बदले आप लिख सकते हो डी टी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसको आपने पूरे को क्या माना है टी, तो टी डी टी, टी डी टी का मतलब टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, मतलब आंसर हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई टू, टू बाहर लिख दिया, प्लस सी आंसर। तो क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके बन जाएगा। अब ये देखिए पूरा का पूरा फंक्शन को हमने क्या मान लिया टी, इस पूरे फंक्शन को, ये जो पूरा फंक्शन था उसको हमने टी सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो बाकी सब उसका डेरिवेटिव है। इसका अर्थ ये है कि ये आपके दिमाग में क्विकली आना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ है। अब आप सोचते कि हम लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी तो दिया हुआ है, तो हम सिर्फ लॉग एक्स को क्यों नहीं मान सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कहूं कि लॉग एक्स को भी पुट कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करूं दूसरे मेथड से कि लॉग ऑफ लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ये है, और आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं लॉग एक्स को सिर्फ टी पुट करूं, तो कर लो, पुट करो लॉग एक्स को टी, तो क्या मिल जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपका इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा कि लॉग ऑफ, ये लॉग एक्स के बदले आपने टी पुट किया हुआ है, और ये हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स के बदले टी पुट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा इस लॉग एक्स के बदले क्या लिख देंगे, ये लॉग इसके बदले आपने टी पुट कर दिया, इसको टी पुट किया है, तो इस लॉग एक्स को भी तो आप टी पुट किए हैं तो टी लिख देंगे, और ये डी एक्स और ये एक्स मिलके क्या हो जाएंगे डी एक्स बाई एक्स डी टी हो जाएंगे, है ना, डी एक्स बाई एक्स डी टी हो जाएंगे। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। अब देखिए इस लॉग टी का डेरिवेटिव भी वन बाई टी है, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक दूसरा सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पुट लॉग टी इज इक्वल टू जेड, वन बाई टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तो अब फिर इस पूरे फंक्शन के बदले आपको पुट क्या करना पड़ेगा डी जेड, और ये लॉग टी क्या पुट किया आपने जेड, अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब जेड क्या था, तो लॉग टी का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और लॉग टी क्या था, टी में तो फंक्शन था नहीं, टी के बदले लॉग एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा वन बाई टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर प्लस सी, और आंसर आ गया, पिछला ही वाला आंसर आया, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन दो बार करना पड़ा। तो यही पर जो है असल बुद्धिमानी है कि आप एक काम को दो बार करना चाहते हो कि एक ही बार में दोनों काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धि लगेगी, और वो बुद्धि कहाँ से आएगी, वो बुद्धि आएगी जब आपकी डिफरेंशिएशन जो होगी उस पे अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी पकड़ होगी, तो ये बुद्धि आ जाएगी कि हम एक ही बार सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये दोनों बातें आ जाती, और ये चीज जैसे ही दिमाग में आएगा तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी करने में बहुत मजा आएगा। कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव में मजा, चूंकि ये देखिए अगर कोई बच्चा ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो ये समझता है कि लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये पूरा हो गया, तो पूरा हो गया तो ये क्या हो गया, ये टी डी टी हो गया, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी स्क्वायर बाई टू, यानी इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर बाई टू आंसर होगा, और ये आंसर आ गया सीधे, आपको कोई भी कैलकुलेशन कोई भी सब्स्टिट्यूशन इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही बात, तो यही सब टेक्निक जो है वो आपको सीखनी होगी, और धीरे धीरे आप अगर ये सब सीख पाते हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि e टू दी पावर x यहां लिखा और e टू दी पावर x dx लिखा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कई सारे बच्चे इसमें उनको कंफ्यूजन होती है कि हम इसको कैसे करें, ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन e के साथ ये क्या है, फंक्शन है,
तो इसको हमें टी पुट कर लेना चाहिए। बताया था पिछली में कि हमें जो भी ई का पावर हो उसको टी पुट करने में सुविधा होगी, क्योंकि वो फंक्शन सिंपल हो जाएगा। तो ई टू दी पावर एक्स को टी पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी ये ई टू दी पावर डी एक्स के बदले आप डी टी लिख सकते हो, और इस ई टू दी पावर एक्स के बदले टी लिख सकते हो। तो ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर टी प्लस सी। इसका मतलब ई टू दी पावर टी है क्या, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी आंसर आ गया। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करूं अगर मैं, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से देखिए, ई टू दी पावर, ई टू दी पावर, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर, ई टू दी पावर एक्स, राइट, एंड ई टू दी पावर, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब इतना बड़ा ये जो क्वेश्चन बन गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। ये क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का एक्सटेंशन है, तो यहां पर भी सॉल्व करने के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें ये पुट कर लेना है, जो बड़ा वाला फंक्शन होगा उसको टी पुट कर लेंगे, चार बार है इज इक्वल टू टी। इस ई के लिए ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, एंगल टाइप का फंक्शन है। तो ई टू दी पावर एक्स का क्या होगा, चेन रूल से ई टू दी पावर, ई टू दी पावर एक्स का पूरा क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स एज इट इज। यानी हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करें तो ई टू दी पावर, ई टू दी पावर, ई टू दी पावर एक्स एज इट इज रहता है। फिर उसके ऊपर वाले को करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर, ई टू दी पावर एक्स। फिर इसके ऊपर वाले करेंगे दो ई वाले को तो ई टू दी पावर एक्स। फिर इस ई टू दी पावर एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, ई टू दी पावर एक्स। और फिर एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, वन, यानी डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स और ये डी टी। तो ये पूरा का पूरा जो कुनबा है, ये देखिए पूरा का पूरा जो ये है स्ट्रक्चर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा का पूरा के बदले आप डी टी लिख सकते हैं। यानी ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। इसको आपने टी पुट किया है तो ये ही चीज आया है, यानी इंटीग्रल डी टी हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ये सारा चीज डी टी हो गया। इंटीग्रल डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी प्लस सी, मतलब आंसर हो गया ई टू दी पावर, ई टू दी पावर एक्स। फिर क्या हो गया, ई टू दी पावर, ई टू दी पावर प्लस सी, ई टू दी पावर एक्स चार बार प्लस सी, टी का मतलब यही है प्लस सी आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह का एक दो तो क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर एक्स, 5 टू द पावर 5 टू द पावर एक्स, 5 टू द पावर एक्स डीएक्स। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, हमने ये समझने के लिए कहा है कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक बात तो आपको याद होगा कि ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है, होता है कि नहीं होता, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है। इसलिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, क्या यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि ये 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर एक्स को हम पुट कर लेते हैं टी, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर एक्स लॉग 5, है ना। उसके बाद आप करेंगे किसका, इस 5 के लिए ये पूरा क्या था, एंगल। अब इस 5 के लिए करना है तो इस 5 के लिए ये पूरा क्या होगा, एंगल, है ना। तो इस 5 के लिए पूरा होगा एंगल, और इस पूरे एंगल के लिए हमें फिर क्या होगा, इसको करेंगे तो यही चीज होगा, लॉग 5 आ जाएगा, यानी 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर एक्स लॉग 5। अब इस 5 के बाद जो है वो इस 5 की बारी है, इस 5 का अगर हम करें तो क्या मिल जाएगा, 5 टू दी पावर एक्स और लॉग 5, और फिर इस x का करें तो क्या मिलेगा, डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी टी। तो ये चीज मिल गया कुल मिलके कि 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x डी एक्स, और तीन लॉग 5 मिला, लॉग 5 लॉग 5 लॉग 5 लॉग 5 का क्यू, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा लॉग 5 का पावर क्यू और ये डी टी। इसका मतलब है कि इस पूरी चीज के बदले आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 5 लॉग डी टी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई लॉग 5 का क्यू, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये डी टी, और इंटीग्रल डी टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी टी हो जाएगा टी, है ना, टी प्लस सी।
इसका मतलब हुआ कि आंसर हो गया log ऑफ 5 to the power 3, और t का मतलब कितना, यही सारा चीज, 5 to the power 5 to the power 5 to the power x प्लस c। अब इससे एक बात, एक ट्रेंड पता चल रही है कि देखो 3 बार 5 था तो यहां log 5 का पावर q आया और बड़ा वाला आंसर आ गया। अगर इसी बात को हम थोड़ा दिमाग में रखें और यही अगर e का फंक्शन था तो ये चीज टर्म आया नहीं, ये टर्म आया नहीं, सिर्फ यही टर्म आया। ठीक है, जैसे पिछले स्लाइड में आप देखें कि यहाँ पे अगर 4 बार था e तो आंसर में क्या आया, 4 बार e और फिर x यानी बड़ी वाली फंक्शन, उसके बाद c। तो जितनी बार ये हो, 4 बार 5 बार 3 बार 2 बार, जैसे ये होता क्वेश्चन तो आंसर 3 बार आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार आ गया, लेकिन log 5 से डिवाइड हो गया, अर्थात इसको आप याद रखें तो बाकी क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट हो, 2 to the power 2 to the power 2 to the power x, 2 to the power 2 to the power 2 to the power x, 2 to the power 2 to the power x, 2 to the power x dx अगर हो तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 4 बार 2 है तो log 2 to the power 4 और बड़ा वाला यानी 2 to the power 2 to the power क्या जाएगा, ये पूरा थोड़ा ढंग से लिख दूं, log 2 to the power 4 और ये आंसर आ जाएगा 2 का 4 times x plus c आंसर। तो आपको करने की जरूरत ही नहीं होगी, यानी ये थोड़ा सा अगर आप विजिल रहे, माइक्रो ऑब्जर्वेशन की तरह, ऑब्जर्वर की तरह काम करें तो आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन का पैटर्न आपको याद रहेगा और क्वेश्चन का पैटर्न याद रहेगा तो आप आंसर आसानी से लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये लिख दूं मैं कि e to the power e to the power e to the power, सॉरी ये लीजिए, यहाँ पे देखिए e to the power e to the power e to the power x e to the power e to the power x e to the power e to the power x, ये 3 बार है। ठीक है, तो dx आगे है, dx 3 बार 2 बार 1 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 बार, सिंपल, प्लस सी जितनी बार है बड़ा वाला, ये आंसर लिख सकते हैं बिना किसी संकोच के। यानी इस कैटेगरी का भी अगर क्वेश्चन हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको करने की जरूरत ऐसे नहीं पड़ती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ये भी वही टेक्निक हो गया, क्वेश्चन देखो आंसर लिखो टाइप का, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि साइन इनवर्स एक्स लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये लिखा है कॉस थीटा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 − x² dx, तो आपको यहाँ क्या पुट करना चाहिए, ये देखिए पुट करने की जरूरत ही नहीं है, अब आप इतना सीख चुके हैं कि अगर इसको थीटा पुट करें तो ये डी थीटा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x + c, तो सीधे लिख सकते हैं। ये आप देखिए, इसको अगर मैं टी पुट किया होता तो ये पूरा डी टी हो जाता, तो ये कॉस टी डी टी हो जाता, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स, इसलिए x + c आंसर आ जाता। तो सीधे सीधे आप क्वेश्चंस को बिना किसी झमेले के आंसर लिख पाएंगे और लिख सकते हैं अगर आप थोड़े से अलर्ट रहें तो। ठीक है, जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए, अब एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये है e to the power sin x cos x dx, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वैसे ही सिचुएशन होगा कि ये चूंकि e का पावर है तो साइन एक्स को हमें पुट कर लेना चाहिए t, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी ये पूरा का पूरा चीज हो गया e to the power t dt, और e to the power t का इंटीग्रेशन e to the power c, और e to the power t क्या है, साइन एक्स प्लस सी, तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसा है, अगर हमारे पास हो
लॉग 5x बाई एक्स तो क्या करेंगे? तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे भी अब साइन के साथ तो हमने सीखा है कि साइन में एक्स के जब कोफिशियंट हो उसे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे लॉग 5x के साथ क्या होगा? तो अगर हम लॉग 5x को टी पुट कर दे या लॉग 5x को ही पूरा टी पुट कर दे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, लॉग 5x को टी पुट कर देता हूं तो लॉग 5x, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/5x, और 5x का फिर डेरिवेटिव क्या होगा? 5x का dx dt, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी dx बाई एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं? dt। तो इस पूरे चीज के बदले आप लिख सकते हो dt, और log 5x के बदले t, t dt हो गया। t dt का इंटीग्रेशन t² / 2 + c, यानी t का मतलब क्या है? t का मतलब है log ऑफ 5x उसका होल स्क्वायर बाई 2 + c। तो यही चीज आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते थे कि ये log 5x को t पुट करेंगे। ध्यान रहे कि log एक ऐसा खास बात है log में कि log का कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, तो ये जो होता है वो आसानी से log d/dx ऑफ log ax एज 1/x ही होता है, चाहे ए कुछ भी हो, इनडिपेंडेंट ऑफ ए। ये बात अगर याद रहे तो अब यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना। हमें पता log 5x हो तब भी ये डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है, तो 1/x dx क्या हो जाता? dt, और ये log t, ठीक है ना? log 5x का 1/x ही होता है। कैसे? ये देखिए, log x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1/x, ये हो जाएगा 1/x। फिर ax का करेंगे तो क्या मिलेगा? a, a से a हमेशा कट जाएगा, इसलिए हमेशा 1/x ही रहेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने में बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से आप इसको कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मुझे लगता है कि इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कुछ अलग टाइप पे बात करते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।